उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए हादसे के बाद यहाँ पर सियासी लोगों का जमावड़ा लगातार तीसरे दिन भी जारी आप देख रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। लगातार यहाँ पर सियासी लोग एक के बाद एक आ रहे हैं। जिस दिन घटना हुई यानी दो दिन पहले, उस वक्त भी रात में ही सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद से लगातार यहाँ पर कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों या खुद सरकार में शामिल लोग हों, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। और अब जो पीड़ित परिवार है उसकी मांग है कि उसके चाचा को पैरोल दिलाई जाए, जिसके बाद वो जो अंतिम संस्कार जो लोग मारे गए उनका, जिनकी मौत हो गई है इस दुर्घटना में, उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। साथ ही इस पूरे मामले में ये भी आरोप लगाया जा रहा है पीड़ित परिवार की तरफ से कि जो विधायक थे उनकी तरफ से लगातार धमकियां मिल रही थी और पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। हालांकि सरकार ने इस पूरे मामले को सीबीआई के हैंडओवर कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके जो पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट नहीं है। और आप देख रहे हैं कि भारी सुरक्षा घेरे में इस वक्त लखनऊ की मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो ट्रॉमा सेंटर है वो इस वक्त है। सरकार बार बार इस बात का भरोसा दिला रही है कि इसमें जो भी मदद हो सकेगी वो की जाएगी। कुछ देर पहले यहाँ पर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी यहाँ पर आए थे, वो भी लगातार हमलावर हैं और इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि एक गहरी साजिश का परिणाम है। और सबसे बड़ा सवाल जो ये है वो बार बार इस बात को लेकर उठाया जा रहा है कि जब कुलदीप सिंह सेंगर जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जब वो गैंग रेप के आरोप में वो जेल में बंद हैं, ऐसे में उनको भारतीय जनता पार्टी ने अब तक निष्कासित क्यों नहीं किया, तो सवाल बहुत सारे हैं। विपक्ष बहुत हमलावर है और साथ ही साथ सरकार वो इस वक्त बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजीव गुसाई के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24।